इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी, अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं? इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ? मान्य, मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी ये शब्द बोलते हुए हर नियम का उल्लंघन हुआ है। भारत की संसद के लिए जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर, महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और इस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्म चिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। तीन कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी, उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की, किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी दो महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे वहां मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा, सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की।